आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, जिसे हम मंगोचियाँ भी कहते हैं। जो हमें अज्जा दरकार है वो हैं, पहले हम आपको बताएंगे पकौड़ियों के लिए अज्जा। एक कप दाल जो हमने 2 घंटे पहले भिगोनी थी, मूंग की दाल। एक छोटी प्याज जिसे हमने इस तरह काट लिया है। एक हरी मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टी स्पून नमक या हसबे ज़रूरत, 1/4 टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून या 2 चुटकी बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून यानी 1/2 टीस्पून गरम मसाला। और जो हम आपको अब अज्जा बताएंगे वो है सालन के लिए। एक प्याज जिसे हमने इस तरह काट लिया है, 4 से 5 किलो लहसुन के, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून नमक या हसबे ज़रूरत, 1/4 टीस्पून या 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 कप यानी 1/4 कप ऑयल तेल, 1/4 कप तेल। आप देख सकते हैं कि हमने जो मसाले आपको बताए थे वो पीस लिए हैं। दाल मूंग की पीस ली है, पानी निकाल के उसमें मसाले शामिल कर दिए हैं। ये सालन के मसाले हैं, इनको हमने पीस लिया है, लेकिन इसमें ऑयल शामिल नहीं है। नाज़रीन, हमने सालन के लिए देगची में 1/4 कप यानी जो 1/4 कप हमने आपको तेल बताया था वो डाल दिया है। और ये जो हमने तेल कढ़ाई लिए, इसमें तेल डाला है, इसमें हम पकौड़ियाँ यानी मंगोचियाँ तलेंगे। सालन का मसाला हमने देगची में डाल दिया है, अब हम इसे भूनेंगे। मंगोलियों का मसाला हमने मिक्स किया और उसके हमने उसको मंगोलियों का शेप दे के, आप देख सकते हैं तेल में हमने डाल दी हैं। अब हम इसे पकाएंगे। मंगोलियाँ तैयार है, सालन भी तैयार है। सालन आपको दिखाते हैं कि मंगोलियाँ पूछ के दिखा रहे हैं कि आप रमज़ान में इसे अफ्तार के साथ भी खा सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। सालन भी तैयार है मंगोलियों का। वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा।